नमस्कार। जन सरोकार मंच टोंक के साक्षात्कार कार्यक्रम में आज हमारी अतिथि हैं दिव्या मीरा आर्क। दिव्या जी गाजीपुर की लेखिका हैं और पत्र पत्रिकाओं में अपने लेखन को लेकर अक्सर इनकी चर्चा होती रही है और आज हम लोग इनसे इनके लेखन के बारे में और अन्य दूसरे मुद्दों के बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। दिव्या जी आपका अभिवादन है इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी प्रणाम, इस मंच को प्रणाम, राजीव जी आपको प्रणाम और उन सभी श्रोताओं को प्रणाम जो आज का मेरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। दिव्या जी आप अपने लेखन के बारे में बताएं, अपने लेखन के बारे में आप बताएं, आपने कब लेखन शुरू किया और लेखन से जुड़े जो आपके सरोकार हैं, वैचारिक सरोकार, सामाजिक सरोकार और अन्य दूसरे जो पहलू हैं लेखन से जुड़े, उनके बारे में आप हमें बताएं। जी, मैं दिव्या मीरा अर्क, मैं सामाजिक मुद्दों पे लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो इलाहाबाद और जामिया मिलिया इस्लामिया से हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएशन, और जामिया मिलिया इस्लामिया से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है। और इन सब चीज़ों और मुझे लिखना बड़ा पसंद है। मैं बहुत पहले से लिखती आ रही हूँ, जब मैं मात्र इंटर में पढ़ती थी तब से मुझे लिखने का बड़ा शौक था। लेकिन तब मैं सिर्फ, चूंकि इतना टेक्नोलॉजी, टेक्निकली हम लोग इतने एडवांस नहीं थे और मैं डायरी पे और अपने हार्ड कॉपी पे लिखती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मुझे लगा कि जब तक मेरे विचार लोगों तक नहीं पहुंचेंगे फिर हमारे लिखने का फायदा क्या है। तो फिर मैंने अपना फेसबुक पेज बनाया और मैंने शुरुआत वहां से की। फेसबुक पेज दिव्या मीरा अर्क नाम से फेसबुक पेज बनाया और मुझे महज कुछ ही वर्षों में बहुत सारा प्यार और दुलार मिला आप लोगों का। और आज हमारा वो पेज 1.5 लाख का परिवार हमारा हो चुका है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, लिखना बहुत ही गहन विषय है, हम इतनी आसानी से नहीं लिख सकते हैं और जब तक हमारी लेखनी लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो मैंने ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की मैं भरपूर कोशिश करूंगी। और चूंकि लेखक हमेशा वो स्टूडेंट ही होता है तो मुझे लगता है मैं अंतिम दम तक एक स्टूडेंट ही बनी रहूंगी। राजीव जी, फेसबुक पर आप लिख रही हैं और फेसबुक को जनसंवाद के एक बहुत ही सार्थक मंच के रूप में आप देखती हैं। फेसबुक जनसंवाद और जनसंचार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरा है, इसके बारे में बताएं। इसकी इसका जो प्रभाव है, लोगों के जो आपसी जो संवाद है, जो विमर्श है, उसको फेसबुक कितना प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि आप फेसबुक पर निरंतर लिखती रही हैं। जी, हमारे लिए बहुत ही, हमारी जो अगली जनरेशन है, अगली पीढ़ी है, उसके लिए ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, टेक्नोलॉजिकली हम इतने एडवांस हो चुके हैं, ये सब हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि यह हमारे बच्चों को, हमारी अगली पीढ़ी को पढ़ाई से दूर करती चली जा रही है, शिक्षा से दूर करती चली जा रही है। तो फेसबुक का कहीं ना कहीं या किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट के फायदे तो बहुत हैं, अगर हम इस वेबसाइट्स को, इन टेक्नोलॉजीज को अगर हम पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करें तो शायद हमारे लिए ये ज्यादा अच्छा होगा, बजाय कि इसका सिर्फ हम रील्स बना के, मतलब आप राजीव जी एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि आजकल के हमारे बच्चे रील्स बनाने में बहुत व्यस्त हैं, लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक कि बच्चा पैदा हो रहा है और तुरंत उसको मोबाइल पकड़ा दिया जा रहा है, मोबाइल वो शुरू कर दे रहा है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए और इस वेबसाइट का मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉजिटिव, इसको पॉजिटिवली यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से।
बिल्कुल सही कहा है कि फेसबुक जो है या जो मोबाइल है वो हमारे जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करे, लेकिन अब देखने में तो यही आ रहा है कि चाहे बाजार में आप खरीदारी कर रही हो या फिर लोगों से बातचीत करना हो या जो कुछ जानना हो समाज के बारे में, लोगों के बारे में, तो फेसबुक जो है और मोबाइल जो है वो सबसे प्रमुख माध्यम बनकर उभरा है। खैर, अब आप देखिए, हम लोगों मैं को और अपने बोलूंगी घर परिवार के बारे में अब आप जी। हम लोगों को अपने घर परिवार के बारे में और जैसा कि आपने बताया कि देखिए आपने विश्वविद्यालय की शिक्षा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्राप्त की है, जामिया मिलिया की भी आप छात्रा रही हैं, तो अपने जी शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में और शिक्षा के माध्यम से जीवन में जो कुछ भी आप करना चाहती रही उन सब के बारे में आप हमें बताएं। जी राजीव जी, मैं मूल रूप से गाजीपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ, लेकिन मेरी जो स्कूलिंग है, शुरुआत शिक्षा दीक्षा हमारा प्रयागराज में हुआ, इलाहाबाद जिसको हम कहा करते थे, और बाकी हायर एजुकेशन के लिए मैं जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली चली गई। तो मुझे गाजीपुर का मैं थोड़ा सा ये परिचय देना चाहती हूँ कि काशी की छोटी बहन कही जाती है, और चूंकि आप सब बनारस को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बनारस के जस्ट 50-60 किलोमीटर दूर हमारा शहर है गाजीपुर, तो मैं वहाँ की निवासी हूँ। और सबसे पहले राजीव जी, आज हम इस बातचीत की शुरुआत इस चीज से करना चाहते हैं कि आज हमारे दो महान विभूतियों का जन्मदिन है, पंडित मदन मोहन मालवीय और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो ये दोनों युग पुरुष थे, चूंकि पंडित मदन मोहन मालवीय वाराणसी से उनका ताल्लुक रहा, मतलब पैदा तो वो इलाहाबाद प्रयागराज में हुए हैं, लेकिन जो BHU आज हम देख रहे हैं वो पंडित मदन मोहन मालवीय की देन है, जो आज पूरे विश्व में अपना नाम रोशन कर रही है। और ये दोनों युग पुरुष का आज जन्मदिन है, तो ये हमारे लिए बड़ा ही शुभ दिन है आज का। और क्रिसमस सारे संसार में मनाया जा रहा है, ये बहुत ही खुशी का त्योहार मेरी है क्रिसमस टू सारे। एवरीवन, बिल्कुल और आज क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उन्होंने हमारे समाज के बारे में, दुनिया के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में बहुत कुछ सोचा था। और अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन तो है ही, दो महान राष्ट्रीय विभूतियां, तो आपने याद दिलाया मीरा जी इन सब के बारे में, आज के दिन की महिमा के बारे में, महत्व के बारे में, इसके लिए आपके प्रति आभार। और हम आपसे गाजीपुर शहर के बारे में जानना चाहते हैं, आपने संक्षेप में बताया है कि बनारस से थोड़ी दूर पर ही ये शहर बसा हुआ है और राही मासूम रजा आधा गांव को जिन्होंने लिखा है, जो हिंदी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है आधा गांव, आपने सुना है इस उपन्यास के बारे में? जी। पहली बार आपको राजीव जी पता होगा कि हिंदी का बुकर प्राइज मिला, हिंदी को बुकर प्राइज मिला है, जो जिसकी लेखिका गीतांजलि श्री हैं, जो कि हमारे गाजीपुर से ही, उनका उनका जन्म स्थली जो है गाजीपुर ही है। तो ये हमारे लिए बड़ा ही गौरव का बात है कि हिंदी को भी अब मान बुकर प्राइज, और विश्व में हिंदी की पहचान हो रही है हम छोटे छोटे लोगों के माध्यम से। और हमारा यही कर्तव्य बनता है कि हम अपने हिंदी, अपनी संस्कृति को विश्व पटल पे लेकर जाएं। बिल्कुल, गीतांजलि पांडे जो साहित्य में गीतांजलि गीतांजलि श्री श्री, के नाम से, गीतांजलि हाँ श्री जी जी गीतांजलि श्री के गीतांजलि नाम श्री से जानी जाती हैं और जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की भी छात्रा रही हैं, तो इनको बुकर जी प्राइज मिला है रेत समाधि वो उपन्यास के लिए, हमारे हाँ गाजी रेत समाधि, वो द हमारे टॉम्ब ऑफ गाजीपुर में सैंड, ही है जी, वो बिल्कुल हमारे वो गाजीपुर में ही है जी। अरुंधति राय के बाद वो दूसरी लेखिका हैं भारत की जिनको ये पुरस्कार मिला है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आधा गांव उपन्यास भी गाजीपुर की पृष्ठभूमि पर ही लिखा गया उपन्यास है मासूम और हिंदी रजा, की अत्यंत, हाँ राही मासूम राही राही मासूम रजा का मासूम बहुचन। रजा, हिंदू मुस्लिम जो एकता है हमारे समाज की, जीवन की जो दो धाराएं हैं और उनमें जो मतलब बिखराव जो कायम हुआ विभाजन के साथ, सांप्रदायिकता का भारत में जो विकास हुआ है, तो उसका बहुत ही सुंदर विवेचन राही मासूम रजा साहब ने इस उपन्यास में किया है और ये आपके शहर के ही लेखक थे, बहुत और मैं अपने बारे में ये अच्छा थोड़ा लगा। दो लाइन मैं अपने बारे में ये बताना चाहती हूँ कि ये महज एक संयोग है कि मेरी जो शिक्षा दीक्षा है वो अंग्रेजी, मैं मिशनरी स्कूल से पढ़ी हूँ, और मेरा ग्रेजुएशन भी अंग्रेजी माध्यम से हुआ, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी ही अंग्रेजी माध्यम से हुआ, लेकिन मुझे बहुत
अंदर से प्रसन्नता महसूस हो रही है यह बताते हुए कि जब मैं अंग्रेजी में अपनी बातों को अच्छे से मैं प्रकट नहीं कर पाती थी तो मुझे लगा कि मुझे अपनी मातृभाषा चुननी चाहिए। अपनी मातृभाषा में जितना अच्छा हम अपने आप को, अपनी माँ से जितना हम अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हैं उतना किसी और भाषा में नहीं कर सकते। तो अंग्रेजी मीडियम के होने के बावजूद भी मैं अपनी हिंदी के द्वारा आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल, लेखन से जुड़े जो सरोकार हैं उनमें अपने समाज को, अपने अपने लोगों को लेखक जो है वो संबोधित करता है, और बहुत स्वाभाविक रूप से इस समय, इस दौरान उसकी जो भाषा बनती है लेखन की, वो उसकी अपनी भाषा बन जाती है, मातृभाषा। और हरिवंश राय बच्चन भी हिंदी में लिखते रहे, और बहुत सारे लेखक हैं जो हिंदी में लिखते हैं। गीतांजलि श्री के बारे में आपने बताया, अंग्रेजी की बहुत अच्छी वो विदुषी हैं लेकिन हिंदी में वो लिखती हैं, तो हिंदी जो है वो हमारे लेखन को गरिमा प्रदान करती है और एक व्यापक समाज से बिल्कुल। आप हिंदी के बारे में बताएं हमें कुछ। मैंने चार लाइन हिंदी के बारे में मैं बोलना चाहूंगी। जैसे पहाड़ों में हिमालय, जैसे पहाड़ों में हिमालय, नदियों में गंगा, फलों में आम, श्रृंगार में बिंदी, और भाषाओं में हिंदी का कोई जवाब नहीं। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। हिंदी का कोई जवाब नहीं है, हिंदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोली जाती है, और ये हमारे देश की राजभाषा है, सारे भारतवासियों की भाषा है। और आपने बताया कि आपने, आपकी शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी माध्यम से हुई है, पूरी अंग्रेजी, तो शिक्षा दीक्षा की भाषा भी हिंदी बने। कक्षा नर्सरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, यहाँ तक कि सब कुछ मेरा अंग्रेजी माध्यम से ही रहा, लेकिन जब लिखने की बारी आई, अपनी भावनाओं को प्रकट करने की बारी आई, तब मैंने अपनी माँ को चुना, हिंदी को चुना। बिल्कुल मीरा जी, आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाई की है और जामिया मिलिया की भी आप छात्रा रही हैं, तो इन दोनों विश्वविद्यालयों में जो शैक्षणिक माहौल जो है, और वहाँ लड़कियां जिस तरह से, छात्राएं जिस तरह से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, तो दोनों में क्या फर्क आपने महसूस किया? जामिया मिलिया का छात्र मैं भी रहा हूँ, मैंने भी वहां से मास कम्युनिकेशन में मैंने एमए की पढ़ाई मैंने की है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जामिया मिलिया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन दोनों विश्वविद्यालयों के परिवेश में, माहौल में, और वहाँ जो पढ़ाई लिखाई है उसमें आपने क्या फर्क महसूस किया? देखिए, अलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, अपने आप को लोग बहुत ही, जितने भी पूर्वी उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश, इवन अलग अलग प्रदेश के लोग प्रयागराज इलाहाबाद में आके पढ़ना चाहते थे, और ये पिछले 50-100 साल से ये इतिहास रहा है कि हर पूरे देश के कोने कोने से लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे प्रयागराज में आके पढ़ने का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाना उनका एक सपना हुआ करता था, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ना, वो अपने आप में अद्भुत है। उसके अंदर जाते ही आपका कद बहुत बड़ा हो जाता है। जिस दिन आप पहला एडमिशन लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उसी दिन आपको अपना कद बहुत बड़ा महसूस होने लगता है। और दूसरा जो है, प्रयागराज को हम इसलिए जानते हैं कि उन प्रयागराज को आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता था। राजीव जी शायद परिचित होंगे आप इस चीज से, तो बिल्कुल, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बहुत गरिमा रही है, वो उस विश्वविद्यालय की जो उपलब्धियां रही हैं उनमें प्रशासन के क्षेत्र में, एकेडमिक्स के फील्ड में, विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे छात्र जो हैं वहाँ आगे बढ़ते रहे हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। हमारे देश का जो सिविल सर्विसेज है ना, हर माँ का सपना होता है, हर पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा आईएएस बने, और उसका पहला सपना का पहला जो कदम होता है ना, वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शुरू होता था। बिल्कुल, लेकिन दुर्भाग्य है, यह मैं संदेश आपके मंच के माध्यम से पूरे देश के लिए, ये मेरा संदेश है कि जितने भी अधिकारी प्रयागराज से निकले हैं, कम से कम वो अपनी गौरव इतिहास को इतिहास न बनने दें, क्योंकि थोड़ा सा इस समय इलाहाबाद हमारा भटक गया है, रिजल्ट्स वहां से कम आ रहे हैं, और उसका जगह मुखर्जी नगर लेता जा रहा है। तो मैं उन सब अधिकारियों से ये गुजारिश करती हूँ कि अपने इलाहाबाद को इतिहास न बनने दें, उस वट वृक्ष की छाया को बिल्कुल
इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है और जामिया मिलिया भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जामिया मिलिया के बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, जामिया मिलिया के बारे में भी मैं सबसे पहले तो यही बोलूंगी कि इस समय का अगर प्रेजेंट आप देखिए, इलाहाबाद थोड़ा सा पास्ट हो चुका है, अगर आप प्रेजेंट देखिए तो इस समय जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत अच्छा एक कोचिंग संस्थान चला रहा है आईएएस के लिए, और जितने बच्चों को वो लेता है उतने बच्चे वहां से सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस समय जामिया मिलिया इस्लामिया भी बहुत तेजी से उभर रहा है सिविल सर्विसेज की तरफ। राजीव जी, शायद आपने ध्यान दिया होगा, हाँ और बिल्कुल, जामिया सिविल मिलिया सर्विसेज में काफी जामिया छात्र वहां से सेलेक्ट किए गए हैं। सिविल जामिया सर्विसेज में मिलिया ढेर इस्लामिया सारे छात्र जी जामिया से लिए गए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में राजीव जी जाने के बाद आपको लगेगा कि मैं असली भारत में हूँ। आपको हर प्रकार की संस्कृति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हर संस्कृति आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में देखने को मिलेगा। और बड़ा ही अच्छा लगता है जब हमारे सारे भाई बहन एक साथ, हर धर्म के लोग एक साथ कक्षा में बैठ के पढ़ाई करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, भारत की जो मिली जुली संस्कृति है जामिया मिलिया में, उसका बहुत ही जामिया में सुंदर दिख जाती है समन्वित रूप दिखाई देता है। और जी दिल्ली आप कब आई? दिल्ली में कितने सालों तक रही और जी क्या मैं वहाँ आप सिविल 2000 सर्विसेज की तैयारी करने के लिए आई थी या जी वो जामिया बिल्कुल मिलिया में पढ़ने के लिए आई थी? देखिए, मकसद तो सिविल सर्विसेज में तैयारी था, फिर मैंने सोचा जामिया मिलिया से पीजी भी कर लेते हैं। तो मैं दिल्ली में 3 साल रही, 2013 से 15 तक, और ये ऊपर वाले की देखते हैं क्या होता है, ऊपर वाले का थोड़ा सा किस्मत साथ नहीं दिया वरना शायद आज भी मैं किसी अच्छी जगह होती। खैर, तो अब आपकी क्या योजना है? सिविल सर्विस में आप नहीं आ पाई तो अब आप अपने कैरियर को लेकर क्या सोचती हैं? देखिए, जब मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करती थी तब भी मैं लिखती थी और मैं आज भी लिखती हूँ, बस फर्क ये हो गया है कि तब मेरे पास सोशल मीडिया को देने के लिए समय नहीं था, मैं सोशल मीडिया का पॉजिटिवली उपयोग नहीं कर पा रही थी। और आज आपके मंच के माध्यम से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है राजीव जी कि मैं लोगों से रूबरू हो रही हूँ। अब दिव्या आगे जी, मुझे आप यही किन है किन कि विधाओं में जीवन लिखती के रही लिए, हैं? आपके लेखन की जो देखिए विधाएं मैं रही हैं, जिन बतला विधाओं में आपने जी लेखन जी किया है, मेरा उनके बारे में बताएं। मेरा जो मेरी जो पेज का टैग लाइन है राजीव जी, वो है हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति हमारी विरासत, मतलब हमारा विरासत हमारा भारत है। और मेरा जो लेखन शैली है वो आपको कई प्रकार की शैली, मिक्स शैली मिलेगी, और मैं अलग अलग टॉपिक्स पे लिखना पसंद करती हूँ। समसामायिक मुद्दे हैं, महिलाओं पे लिखती हूँ, बच्चों पे लिखती हूँ, शिक्षा पे लिखती हूँ, अलग अलग परवरिश पे लिखती हूँ, बच्चों की परवरिश पे लिखती हूँ, अलग अलग टॉपिक पे मैं लिखना पसंद करती हूँ। और बहुत जल्द ही मेरी किताब भी आएगी जिसका जड़ इलाहाबाद ही है, प्रयागराज ही है। अच्छा मीरा जी, आपकी किताब प्रकाशित होने वाली है, इसके लिए आपको बधाई और हम लोग बहुत उत्सुक हैं आपकी पुस्तक को पढ़ने के लिए और बहुत जल्द वो पुस्तक आए हम लोगों के हाथों में, ये कामना है। राजीव और जी, आपने बताया कि आप मुख्य रूप से निबंध लिखती रही हैं, विमर्श, लेखन नारी अलग विमर्श, अलग बाल शैली, विमर्श, नारी विमर्श, बाल बाल विमर्श और बच्चों का लालन पालन, परवरिश, तो एक तरह अलग से अलग नारी शैली। लेखन, नारी लेखन की जो से जुड़े जो प्रसंग सब हैं तो वो आपके सरोकारों में प्रमुख रूप से शामिल रहे हैं। तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदी में आपने किन किन लेखकों को पढ़ा है और जिनकी रचनाओं ने आपके मानस को प्रभावित किया, आपकी जीवन चेतना को प्रभाव डाला, अपने राजीव पसंदीदा जी, लेखकों के बारे में बताएं। पढ़ा तो मैंने बहुत लोगों को है, और शुरुआत में ये भी एक बहुत गलती मेरी, हर शुरुआत की चीजें गलती से हुई है। शुरुआत में मैंने सिर्फ अंग्रेजी लेखकों को पढ़ा था, अंग्रेजी मैगजीन, अंग्रेजी नॉवेल, इंग्लिश के प्रति मेरा बहुत ज्यादा रुझान था। लेकिन बाद में मुझे लगा, धीरे धीरे जब लिखने शुरू की तो मुझे लगा हिंदी पे हिंदी लिटरेचर को ही ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि देखिए जब हम जापान जाते हैं, चाइना जाते हैं, तो वहां के लोग हमें हिंदी बोलते दिखते हैं, सॉरी चाइनीज एंड जापानीज बोलते दिखेंगे। और हमारे भारत में लोग अपने आप को, जब अगर कोई हिंदी बोलता है तो उसको लोग गवार बताते हैं, बेवकूफ बताते हैं। तो आप अंग्रेजी पढ़िए, आप अंग्रेजी बोलिए, अंग्रेजी खाइए, अंग्रेजी पहनिए,
लेकिन आपके अंदर हिंदी को बढ़ावा देना ही आपका एकमात्र जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे हमारी जो संस्कृति है बहुत पुरानी है, हम विश्व गुरु हैं और विश्व गुरु हम अपनी भाषा से बने हैं, हमारी जो भाषा है हमारी माँ है। हीरा जी, आपने अपने पेज का शीर्षक आपने रखा है भारत की विरासत और इसकी संस्कृति। हमारी तो संस्कृति हमारे देश की हमारे देश की जो विरासत है तो वो एक बहुत ही बहुमूल्य विरासत है, चाहे वो कला की विरासत हो या विज्ञान की विरासत हो या संस्कृति की विरासत हो। जैसा कि आपने बताया कि भारत विश्व गुरु है और भारत दुनिया की जो प्राचीनतम संस्कृति है वो भारत में विकसित हुई। तो आज हमारी संस्कृति के बारे में चिंताएं प्रकट की जाती हैं कि हमारी विरासत की बहुत सारी चीजें जो हैं वो खतरे में हैं, संकट की चर्चा की जाती है, संस्कृति का संकट। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप हमारे देश की विरासत के जो संरक्षण से जुड़े जो प्रसंग हो सकते हैं इनको इन पर थोड़ा प्रकाश डालें। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने आप में बहुत बड़े युग कवि थे। मैं उनकी दो पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर ज्ञान। मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्मा ज्ञान। राजीव जी, अगर आप ध्यान दें, बहुत बारीकी से हमारे कल्चर को ध्यान दें, हमारी जो पुरातन चीजें थी वो धीरे धीरे विलुप्त होती चली जा रही हैं। पाश्चात्य शैली को हम अडॉप्ट करते करते अपनी खुद की शैली को भूलते चले जा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये कहीं से भी उचित है? हमारी अगली पीढ़ी माँ बाप का सम्मान, गुरु का सम्मान, बड़े छोटों का लिहाज, ये सब कुछ भूलता चला जा रहा है। आज अगर माँ बाप मर जा रहे हैं तो उनका अंतिम संस्कार, इस पे मैंने एक बड़ा बढ़िया लेख लिखा है कि आज स्थिति यह हो गई है हमारे भारत की कि जब हमारे माँ पिता का देहांत हो जा रहा है तो बच्चे टेलीफोनिक अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उनको ये अपना समय की बर्बादी लग रही है कि हम फिर भारत जाएं और अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करें। अड़ोसी पड़ोसी किसी से हमारा कोई संपर्क नहीं है। आजकल एक राजीव जी बड़ा फेमस दो शब्द है, प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी है। और ये यह शब्द जो है निजता, 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 हिंदी में जिसको कहते हैं निजता, लेकिन निजता को बहुत ही गलत रूप में परिभाषित किया जा रहा है। निजता, हाँ, जो आज भारत में जो कक्षा 5 पास भी नहीं है वो बोलते हैं इट्स माई प्राइवेसी, I don't want to involve anyone. तो ये जो प्राइवेसी शब्द है ना, ये हमारी हर चीज को, पूरा संस्कृति को एकदम पतन, संस्कृति को पतन की ओर लेके जा रहा है। तो मेरी बच्चों से गुजारिश है, इवन जो माँ बाप बच्चों को पालन पोषण दे रहे हैं, कि आप उनको ये न्यूक्लियर फैमिली जो है, हम न्यूक्लियर फैमिली भी आजकल हम माँ बाप बच्चे रह रहे हैं साथ में, तो जो संयुक्त परिवार है, कहीं ना कहीं आप अपने माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, मामा नानी सबसे एक अच्छा संबंध बना के रखिए, ताकि आपका बच्चा, अगर आज आप प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी का लाइन सिखाओगे बच्चे को, कल को फिर वो आपको ही अपनी प्राइवेट लाइफ, पर्सनल लाइफ से निकाल के फेंक देंगे। तो इसीलिए तो मेरा जी, आपका मानना है, आपका मानना है कि पश्चिमी संस्कृति ने हमारी संस्कृति के जो स्वस्थ जो जीवन मूल्य हैं, तो इसने इनको दुष्प्रभावित किया है, और तो पश्चिमी संस्कृति का जो प्रसार जो है वो बहुत तेजी से भारत में हो रहा है, और इसके जो माध्यम है, इसके जो प्रसार में जो बातें जुड़ी हुई हैं इनसे, उनके बारे में आपका क्या मानना है? हम अपनी संस्कृति को विश्व पटल पे ले जाके उनको, दूसरों को अपनी हिंदी, अपनी साड़ी को नहीं प्रमोट कर पा रहे, हम अपने कुर्ता पजामा को नहीं प्रमोट कर पा रहे, अपने भोजन को नहीं प्रमोट कर पा रहे, लेकिन वो बिना प्रमोशन किए हमारे नेक्स्ट जनरेशन का इतना ज्यादा
पाश्चात्य शैली उनके दिमाग पे हावी हो चुका है कि उनको किसी चीज का प्रचार प्रसार नहीं करना है। बच्चे बहुत ज्यादा, मुझे किसी के पर्सनल किसी चीज पे कमेंट नहीं करना है, लेकिन लोग इतना ज्यादा हावी हो चुका है पाश्चात्य शैली कि बहुत स्थिति, मतलब ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पे अच्छी खासी चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि हम इसको कैसे अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल मीरा जी, आपके विचारों को जानकर हमें बहुत खुशी हुई, और अपनी जो संस्कृति है वो उसका उसमें आस्था का होना भी आवश्यक है और उससे प्रेम का भाव भी मन में होना चाहिए। और आपकी जो आपका जो फेसबुक पेज है, आपने आपने इसके लिए बनाया है, उसमें आप अपनी संस्कृति अपनी विरासत से जुड़ी चर्चाओं को प्रस्तुत करती हैं अपने फेसबुक पेज पर, तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके फेसबुक पेज से जुड़े और काफी लोग आपके फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और संस्कृति के संदर्भ में ही, विरासत के संदर्भ में ही महिलाओं के जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, बहुत सारी नई चीजें सब जो प्रचलित हो रही हैं महिलाओं के जीवन में, शिक्षा के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें जो बहुत चिंता पैदा करती हैं और महिलाओं की नई अभिरुचियों में वो खुद प्रमुखता से दिखाई देती हैं, तो उनके बारे में आप बताएं। देखिए, मेरा थोड़ा सा मत भिन्न है महिलाओं को लेके। एक दो लाइन की कविता आपको याद होगी, हाय अबला नारी तेरी यही कहानी, आंखों अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, यही कहानी आंचल, हाँ आंचल में है दूध और आंखों में पानी, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है, मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति है। मैं इस पंक्ति को थोड़ा सा, मैं विरोध तो नहीं कर सकती इस पंक्ति का, लेकिन मैं थोड़ा सा, चूंकि अब नारी अबला नहीं रही है, अब नारी सबला हो गई है, ये पता नहीं राजीव जी आप हमसे सहमत हैं या नहीं है, क्योंकि अगर आप स्थिति, स्त्रियों की स्थिति देखेंगे तो पहले से बहुत परिवर्तन हो चुका है। हर चीज को पॉजिटिव में लेना चाहिए। पहले आपको शायद ही कोई लड़की शिक्षित मिलती थी, लेकिन अब आपको हर घर में, हर परिवार में, हर गली मोहल्ले में लड़कियां स्कूल जाती दिखेंगी। तो हम ये पंक्तियां अब पे तो शायद थोड़ा कम लागू होती हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत, अभी भी पुरुष मानसिकता हमारे भारत में जड़ जड़ में समाया हुआ है, पुरुष प्रधान देश है हमारा, तो अभी भी हम चाह ये गुजारिश करते हैं, ये चाहते हैं कि हाँ आप जैसे राजीव जी पुरुष जो है थोड़ा सा महिलाओं को और ज्यादा स्पेस दें। नहीं, मेरा आशय ये नहीं था, मेरा आशय ये नहीं था कि महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर या छात्राओं की, लड़कियों की जो के जीवन में जो स्वतंत्रता का भाव जो आया है, जो आत्मविश्वास कायम हुआ है, बाहर में जिस तरह से वो सक्रिय हुई हैं, उसको लेकर के हम कोई सवाल उठाना चाह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि महिलाओं के जीवन में जो संकट है, तो उन संकटों के मद्देनजर उनके जीवन में जो बातें जरूरी होनी चाहिए, तो उनके बारे में आप हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पुरुष मानसिकता और नारी मानसिकता को लेकर करके अब कोई बहस शेष नहीं बची हुई है। जो संवैधानिक मूल्य हैं वो हमारे जीवन के अपरिहार्य मतलब मूल्य हैं, और हमको उसी के अनुरूप समाज को देखना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि महिलाओं के जीवन से जुड़ी हुई जो बातें हैं, उनको एक महिला की दृष्टि से आप किस तरह से देखती हैं। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि महिलाओं की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है और आगे ये बेहतर होती चली जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डॉक्टर, इंजीनियर, हर जगह आपको महिलाएं दिखेंगी। हमारे ही देश में, देश के महादेवी वर्मा हमारे इलाहाबाद की थी, सुनीता विलियम्स हैं, बहुत ऐसे नाम हैं जो अलग अलग फील्ड में अपना नाम रोशन कर रही हैं। हाँ, महिलाओं के साथ कुछ रोजमर्रा की समस्याएं जरूर आती हैं। अगर एक महिला नौकरी करती है, 9 से 5 की नौकरी करे या कोई भी नौकरी करे, तो कहीं ना कहीं बच्चों की परवरिश में और घर को और जॉब को बैलेंस करने के लिए उसको बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। वो एक महिला ही समझ सकती है कि किस प्रकार से वो चीजों को मैनेज कर रही है, हैंडल कर रही है। लेकिन महिला जो है इतनी बड़ी शक्ति होती है, महिला जो है इतनी बड़ी शक्ति होती है कि वो सब कुछ हंसते हंसते, मुस्कुराते मुस्कुराते हर क्षेत्र में आगे जा रही है और अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी परवरिश दे रही है, और महिलाएं अब किसी भी जगह पीछे नहीं रह गई हैं, और ये बहुत ही खुशी की बात है।
महिलाओं के बारे में जो कुछ भी बताया है उसको हम लोग, उससे बहुत खुशी हुई है कि महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं और उनकी उन्नति हो रही है और उनके विकास में जो भी अड़चन आ रही है, जो बाधाएं आ रही हैं, तो उनको दूर करना बहुत जरूरी है ताकि वो उनका जीवन गतिशील रहे समाज में और वो आगे बढ़ें। एक ऐसा सामाजिक परिवेश हमें बनाने के लिए प्रयास करना होगा जिसमें वो अपराध, जिस तरह के अपराध की वो शिकार हो रही हैं, उससे उनका बचाव हो सके, उनके अंदर आत्मविश्वास कायम हो, वो सम्मान महसूस करें हमारे समाज में अपने नए जीवन को अगर जीते हम हुए। अपने बेटे को थोड़ी अच्छी परवरिश और दें, बेटे को, अगर हर माँ बाप अपने बेटे को थोड़ा सा अच्छा परवरिश दे, थोड़ा बेटा बेटी का फर्क कम करे, तो शायद ये जो हमारे समाज में रेप और इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, शायद प्रतिशत में कुछ कमी आएगी। जी, महिलाओं के प्रति बहुत यौन अपराध जो है समाज में वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हिंसा के अन्य दूसरे रूप भी जो हैं, उनमें बढ़ोतरी की किससे जुड़े तथ्य जो हैं वो चिंता की भावना पैदा करते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में मैंने आपसे पूछा था कि एक जो दृष्टि होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए इसके बारे में। और इसके बारे में निश्चित रूप से बहुत कुछ वो चिंतन और विमर्श का ही विषय हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है उसको लेकर के, क्योंकि जो चीजें हाँ, अनुचित हैं, लेकिन अनर्थ हैं, थोड़ा सा वो सब ये तो जो हैं ही। गैप है बेटा बेटी का फर्क। हमारी संस्कृति में कभी भी इन सब बातों को प्रोत्साहित नहीं किया गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, छात्र देवता इस तरह के संदेशों को दुनिया को देने वाला देश रहा है ये, है ना, कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। तो आज अगर हमारे समाज में महिलाओं के जीवन में संकट की स्थितियां कायम हो रही हैं, तो बाहर की दुनिया में उनकी जो गतिशीलता है, क्या इससे जुड़ी बातें इसके लिए जिम्मेवार कही जा सकती हैं, या जो पश्चिमी संस्कृति की तरफ उनका आकर्षण है और उसमें जो रचता बचता उनका जो कहीं नारियों ना का की कहीं जो दुनिया पश्चिमी पश्चिमी है। संस्कृति कहीं ना कहीं हमारे देश में इन गलत चीजों को प्रभाव डाल, गलत कृत्यों, जो महिलाओं के साथ गलत कृत्य हो रहे हैं उनपे कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता का जरूर असर है। इसको थोड़ा कम बिल्कुल किया जाए। बिल्कुल। और अब हम आप आपसे आपकी कुछ कविताएं हम लोग सुनना चाहेंगे। आप निबंध लेखन के अलावा छोटी छोटी कविताएं भी लिखती रही हैं। देखिए, कविता तो है, मेरा जीवन को लेके एक मेरा और पहलू है, मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या विचार है, मेरा अपना है। लोग सक्सेस क्या, मतलब सफलता के पीछे लोग इतना ज्यादा भाग रहे हैं कि अपना सब कुछ भी भूल जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सफलता का जो उच्चतम शिखर है वो मानसिक शांति है। ये मेरी एक लाइन बिल्कुल, मैंने लिखी थी, सुख शांति लोक और कल्याण आत्म मानसिक कल्याण। शांति है जी। सफलता के पीछे इतना मत भागे कि आपका सब कुछ बर्बाद हो जाए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य, सफलता का अंतिम लक्ष्य मानसिक प्रसन्नता और शांति होनी चाहिए। तो ऐसी लोग स्थिति समाज में आजकल क्यों कायम है जहां पर हर आदमी अशांत दिखाई दे रहा है, थोड़ा हर आदमी सा अपने लक्ष्यों समाज में लक्ष्यों से दूर भटक हम भट खुद को भटकाव में घिरा पाता है आज के दौर में, थोड़ा देखिए। हमारे समाज में एक चीज और हावी होता जा रहा है राजीव जी, दिखावा। कमाई हमारी 5 रुपए की भले हो, लेकिन हमें तो भाई 10 रुपए ही दिखाना है, क्योंकि पड़ोसी के पास 10 रुपए हैं। तो ये जो दिखावा है ना, उससे भी हमें थोड़ा बचना पड़ेगा। अगर हमें सफलता का मतलब सिर्फ 9 से 5 की नौकरी नहीं करना होता है, सिर्फ 9 से 5 बिल्कुल की नौकरी करना ही सफलता का पैमाना नहीं होता, ऐसा मेरा मानना है। जब अगर आप बिल्कुल मानसिक रूप से सुकून में हैं, शांति में हैं, तो आपसे बड़ा सफल इंसान कोई नहीं है। तो सब कुछ आज समाज में लोग जो हैं अपनी सफलता की राहों में हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शांति और सम्मान की भावना से वो दूर होते ये दिखावटी का प्रतीत जो जमाना होते है ना, हैं। ये 4 लाइन अंग्रेजी याद कर लो, थोड़े से जीन्स वीन्स पहन लो, बस 4 लाइन अंग्रेजी जाके चे बोल दो कहीं, तो ये चीजें। फिर मुझे भी बगल वाले के पास कुछ है तो वो हमारे पास भी होना चाहिए, तो ये चीजें थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम होना चाहिए समाज में। दिखावापन जो है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, लोग पता नहीं क्यों बिल्कुल, इतना ज्यादा दिखाते इसी हैं। परिप्रेक्ष्य में लड़कियों और छात्राओं और महिलाओं के जीवन के बारे में मैं बता रहा था कि पश्चिमीकरण, पश्चिम संस्कृति के प्रति उनके मन में बहुत ज्यादा जो आकर्षण का भाव, जो
कायम हो रहा है, तो उसमें जो हमारी पारंपरिक संस्कृति है, नारी संस्कृति, पारंपरिक नारी संस्कृति, उससे जुड़े हुए जो मूल्य हैं, तो उससे उससे वो दूर होती दिखाई दे रही हैं। टीवी सीरियल्स और सोशल मीडिया, फिल्म, इन सब ने भी उनके जीवन पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव डाला है ना। और मैं इसी परिप्रेक्ष्य में अपनी बातें रख रहा था। देखिए, आधुनिक होने का मतलब यह नहीं कि हम अपनी परंपरा को भूल जाएं, राजीव जी। और मेरी तो परवरिश ही बनारस, प्रयागराज और दिल्ली में हुई है। बचपन से लेके अब तक का जो भी मेरा सफर रहा है, बनारस से लेके गाजीपुर से लेके दिल्ली तक का सफर रहा है, और ये सारे शहर, अगर बीच में जितने शहर पड़ते जाएंगे, सब अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत है हमारे भारत की, बहुत बड़ी धरोहर है। तो हो सकता है कि इन सब का छाप मेरे दिमाग पे पड़ा हो, जिसकी वजह से मैं थोड़ा अपनी संस्कृति के प्रति ज्यादा समर्पित हूँ। और मुझे आप लगता बनारस है में कि भी रही हैं, बनारस में भी आप रही हैं, आपके जी, जीवन का कुछ हिस्सा जो है कुछ बन, हाँ। जी, मतलब सब आज जी बनारस, गाजीपुर, प्रयागराज, तो यह बनारस सब जो है वो ज्ञान और अध्यात्म की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। और जी, इस शहर के बारे में कुछ बनारसी बताएं, साड़ी के, यहाँ पर आपने, बिल्कुल हाँ यहाँ पर आपने क्या क्या देखा? बनारसी साड़ियाँ तो प्रसिद्ध हैं ही बनारस की, लेकिन इसके अलावा जी, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, और फिर बाबा वहाँ का विश्वनाथ का मंदिर विश्वविद्यालय, है यहाँ पे, और यहाँ का पावन गंगा तट, गंगा ये सब जो है उसको देखने के लिए दूर दूर से आरती लोग आते हैं। लोग आते तो हैं, बनारस बिल्कुल। के बारे और में, हमारे वहाँ जो अनुभव रहे, बनारस से जुड़ी अपनी अनुभूतियों के बारे में आप बताएं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वहीं से चुनाव बिल्कुल, जीते हैं, हाँ पहली नरेंद्र मोदी बार साहब जो वो हैं, हाँ उन्हीं नरेंद्र के मोदी सांसद साहब हैं। 2014 में जी वहीं से सांसद का चुनाव लड़े। तो बनारस अपने जी, आप में तो हो सकता है कहीं ना कहीं हमारे पे इसकी वजह से भी हमारी जो धरोहर है, संस्कृति का छाप बचपन से ही पड़ता चला जा रहा है। और आज भी मैं, मुझे लगता है कि बंद कमरे से या अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो मैं बंद कमरे से अगर चाहती हूँ अपनी संस्कृति को बचाना या अपनी सभ्यता को बचाना, तो ये संभव नहीं है जब तक कि एक बहुत बड़ा कुनबा नहीं चाहेगा, बहुत बड़ा एक, बहुत पूरे भारत को मिलके यह काम करना पड़ेगा। और हमारी पहचान ही हमारा भारत है। अगर हम भारत नहीं रह जाएगा तो फिर हम अब पहचान अपनी खो देंगे, और हमारा भारत है हमारी संस्कृति। बिल्कुल, किसी भी देश की संस्कृति उस देश की आत्मा होती है। और आपने हमें इसके बारे में बताया कि हमें इसके संरक्षण के लिए, इसको बचाने के लिए अपनी आत्मा की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है, और ये सारी समस्याओं का समाधान है कि हम बहुत गौर से इन सब बातों को समझें कि हमारे जीवन में क्या उचित है, क्या अनुचित है, और हमें किस तरह से अपने जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो ये दिव्या मीरा जी, आप आज स्टूडियो में आई, और बहुत सारी और भी बातें शेष हैं, और कार्यक्रम में अभी काफी समय भी बाकी बचा हुआ है, तो इस बीच में आप अपनी कुछ कविताएं अगर हमें आप सुना पाए तो हमारे दर्शकों को भी, श्रोताओं को भी खुशी होगी। कुछ चीजें अगली बार के लिए राजीव जी रहने दीजिए, आज बहुत समय हो ठीक चुका है, है। तो आप अपने कोई, अपनी कोई दूसरे कवियों की प्रिय कविता, एक कविता तो आपने सुनाई है मैथिल सेन गुप्त नहीं, की, कविता देखिए लेकिन मैं, हाँ लेकिन मैं यहाँ पे जो है कविता से ज्यादा बातचीत को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ, ताकि लोगों तक हमारे मन की मनोभाव पहुंचे ना। जी जी अच्छा, तो अब आप बातचीत ही करना पसंद करेंगे, अभी आज जी कविता नहीं सुनाएंगी, कविता आप अगली बार सुनाएंगी, ठीक है? तो कविता कविता तो आप लोग अगली गूगल बार हम लोगों को सुनाएंगी। में, गूगल से, और इतने बड़े बड़े लोग आजकल कविता तो हर जगह से लोग सुन लेते हैं, लेकिन बातचीत शायद ज्यादा लोगों को। आप का ये अध्ययन से बहुत ही लगाव रहा है, दो विषयों में आपने आपने स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की है, एक चीज में और दो अगली विषयों में बारी आप के लिए एमए बोलना हैं चाहती हूँ, लोक जी, प्रशासन में। बताइए, लोक प्रशासन में, जी तो लोक प्रशासन मैं जैसे विषय को पढ़ते हुए हमारे देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो उसके बारे में आप क्या महसूस करती हैं कि यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, देखिए, मेरा तो विषय भी भारत लोक के, भारत के, प्रशासन है। भारत के लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र के जो ध्येय हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो भारत में अपनाया गया, तो और उस अनुरूप यहाँ जिस प्रशासनिक व्यवस्था को कायम किया गया है, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था उस ध्येय को आगे अगर नहीं ले जा पा रही है, या ले
प्रशासन तंत्र की एक भूमिका भी रही है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमारी हमारा जो प्रशासन तंत्र जो है वो बहुत व्यवस्थित रूप में लोकतांत्रिक जो शासन है, जो समाज हमारा है, उसके अनुरूप वो समर्पित नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सहमत नहीं हूं कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है। शिद्दत से कर रही, प्रयास कर रही कि हमारा देश इतना बड़ा है, 120 करोड़ 25 करोड़ के आसपास की आबादी है हमारे देश की, तो एक छोटा सा चार का परिवार हम ज्वाइंट फैमिली में नहीं चला पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है पूरे देश के सामने, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के सामने, कि चीजों को बट बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि प्रशासन अपना काम नहीं कर रही है। प्रशासन काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन से त्रुटियां हो जा रही है। अब तो पब्लिक भी बहुत अवेयर हो गई है, जागरूक हो गई है, तो अब धीरे धीरे 10 सालों में, इन 10 सालों में प्रशासन व्यवस्था मुझे लगता है कि भारत की बहुत सुधरी है। चाहता था कि आप लोक प्रशासन के क्षेत्र में आपने काफी ऊंची पढ़ाई की है, आप एमए आपने किया है, तो लोक प्रशासन की क्या भूमिका हो सकती है भारत के लोकतंत्र के नवनिर्माण में, देखिए, जो यहाँ का लोक प्रशासन जो है भारत में? लोक प्रशासन का जो सबसे बड़ा, यहाँ के प्रशासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है, जो कि लचर व्यवस्था हम मानते हैं, पहले फिर भी मैं मानती हूँ कि 10 साल में, पिछले 10 सालों में बहुत सुधार हुआ है। इसका सबसे बड़ा अगर कारण जड़ में आप जाएंगे तो भ्रष्टाचार है। अधिकारी और बिल्कुल, कर्मचारी अपना मकान, दुकान और गाड़ी बनाने में लगा हुआ है, बजाय समाज समाज सेवा की भावना से लोक सेवक जो है वो दूर होते चले जा रहे हैं, से, जो समाज अफसरशाही है। सेवा, और बिल्कुल बिल्कुल समाज सेवा से ज्यादा उनको अपना स्वयं की सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। नौकरी में आने के बाद, आने से पहले वो प्रण लेते हैं, वचन देते हैं कि हम समाज सेवा करने जा रहे हैं, लेकिन नौकरी में आने के बाद फिर उनको ये चिंता सताने लगती है कि कितने बंगले बनाने हैं, कितने फार्म हाउस बनाने हैं, कौन सी गाड़ी लेनी है। और ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये जड़ से खोखला करता चला जा रहा है। क्योंकि भ्रष्टाचार, राजीव जी, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम लोग इस पे भी किसी न किसी दिन जरूर चर्चा करेंगे, भ्रष्टाचार पे। बिल्कुल, भ्रष्टाचार ही जड़ है मेरे हिसाब से। जिस दिन यह हाँ, खत्म जिससे होगा, कि शायद वो हमारे कर्तव्यपरायणता कर्तव्यपरायणता वाली जो बात है वो खत्म होती चली जी, जा रही है, और स्वार्थ जो है इसके वो पीछे यही प्रमुख है कि प्रमुख बनता अपना चला जा खुद रहा है। अपनी जेब भरना, अपनी और जेब भरना। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में बराबर सबको अपने कर्तव्यों का स्मरण दिलाया है और बताया है कि कैसे जो हमारा लोकतंत्र है, हमारा जो देश है, तो उसकी उन्नति की जो जिम्मेवारी है वो बहुत प्रमुख रूप से लोक सेवकों के ऊपर है, सरकार के जो कर्मचारी बिल्कुल हैं बिल्कुल, उनके सरकार, ऊपर है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं भ्रष्टाचार को खत्म करके। जनधन योजना एक बहुत ही फेमस योजना जी रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो उनकी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि इतना ईमानदार और इतना अच्छा प्रधानमंत्री हमें मिला है। तो अगर थोड़े थोड़े ईमानदार हमारे अधिकारी और कर्मचारी भी हो जाएं, तो शायद हमारे देश का विकास और तेजी से हो। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह पहले से बहुत सुधरी हुई है, तो सरकार शायद और की तेजी विकास से। सरकार की विकास योजनाओं का क्रियान्वयन लोक सेवकों की जिम्मेवारी है, क्रियान्वयन में बिल्कुल और विकास के जो लक्ष्य हैं उनको पाना उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए, कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, और महिलाओं को मतलब मजबूत बनाने की दिशा में, बच्चों को की उन्नति में, इन सभी क्षेत्रों में हमें समाज की सेवा करनी है, लोगों को भागीदार बनाना है, और लोगों के साथ को साथ लेकर करके हमें विकास के पथ पर देश को अग्रसर करना है। लोक प्रशासन जैसे विषय में प्रमुख रूप से इस बात की चर्चा होती है, प्रमुख रूप से इन विषयों की पढ़ाई होती है। और आपने भूगोल में भी आपने पढ़ाई की है, भूगोल में भी आप एमए की पढ़ाई की है, तो भूगोल जैसे विषय के बारे में बताएं कि यह विषय जो है हमें क्या बताता है। भूगोल जो है वो धरती को अलग अलग रूपों में निरंतर परिभाषित करता रहा है, आज की जो दुनिया है भूगोल जो वह ग्लोबल विलेज है,
ग्लोबल विलेज है, और एक दौर जब दुनिया बहुत दूर दूर हुआ करती थी और पूरी दुनिया के बारे में हमें जानकारी भी नहीं थी जिस तरह से आज हमारे पास में जानकारी है। भूगोल एक तो ऐसा ये विषय विषय हमें है, क्या संदेश देता है? भूगोल एक ऐसा विषय है जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ता है, धरती के एक एक जगह से हमें जोड़ता है। और भूगोल पढ़ते वक्त आपको, जब भूगोल आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बस मैं उस जगह में, अगर आप अफ्रीका द्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको अपनी पूरी मौजूदगी लगेगी कि मैं वहां मौजूद हूँ। भूगोल एक ऐसा विषय है जो हमें ग्लोबलाइजेशन भी कह सकते हैं कि आजकल तो ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो भूगोल हमें बहुत नजदीक से प्रकृति की तरफ, या फिर आप दुनिया के पॉलिटिकल और फिजिकल पहलू जो है उनको जानने का, उनको समझने का अवसर देता है। बिल्कुल, एक बहुत ही विस्तृत विषय है ये, इसमें विस्तृत जो अध्ययन विषय का है, दायरा है वह लोगों काफी विस्तृत है। संस्कृति और प्रकृति और परिवेश, उद्योग, कार्य, व्यापार, जनजीवन, ये बिल्कुल सारे बिल्कुल जो विषय हैं वो भूगोल के दायरे में आते हैं और आपने उन सब का अध्ययन किया है। तो जो आज की जो दुनिया है वो तमाम तरह की विभिन्नताओं के बीच में भी एकीकृत होती हुई, बहुत तेजी से एकीकृत होती हुई दुनिया प्रतीत हो रही है, और और इसमें भूगोल जो सबसे है बड़ा यहीं रोल पर हमारे टेक्नोलॉजी का ही है। बिल्कुल टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत तेजी से एक प्लेटफॉर्म पे, पूरी दुनिया के लोग आज आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। शायद उसी टेक्नोलॉजी का आज हम फायदा उठाते हुए यह लाइव शो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप अपने देश की संस्कृति और इसकी जो धरोहर है, जो विरासत है, उसके बारे में आप कार्य कर रही हैं, यह सब हमें जानकर बहुत खुशी हुई है। और ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में आपको काम करना अच्छा लगता है, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है? मेरी रुचि मात्र इसमें है कि दिखावे से, ये जो जबरदस्ती का अंग्रेज बनना छोड़िए आप लोग। जबरदस्ती अंग्रेज बनना मतलब, अगर एक बार दोबारा से अंग्रेज आ गए देश पे राज करने के लिए, तो फिर आप उन महान लोगों को मत भूलिए। उनकी, हमारे महात्मा गांधी हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, उन लोग कितना कष्ट करके किस तरीके से देश को आजाद दिलाए, और आज हम फिर उसी अंग्रेजी में बंधते बंधते चले जा रहे हैं, और फिर से क्या देश को गुलाम बनाने की तैयारी हो रही है क्या? यह मेरा प्रश्न है आप लोगों से। दिव्या जी, आपने हमें बताया कि हमें पश्चिमी संस्कृति से अपना बचाव करना चाहिए, और हमारे संस्कृति के जो परंपरागत सब जो तत्व हैं, आपस में प्रेम भाव और सादगी, सरलता, ये सब जो बातें हैं हमारे जीवन से जुड़ी हुई, तो हमें इनका ख्याल करना चाहिए, इनको जीवन में अपनाना चाहिए। तो हमारे देश में स्वदेशी के नाम पर भी तो अभी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं, स्वदेशी के नाम पर, संस्कृति के देखिए, जब स्वदेशीकरण के हम नाम पर, एक-एक संस्कृति के इंसान अपने संरक्षण के मन नाम में पर। को, हम हर इंसान जब इन एक-एक आंदोलनों के लोग, बारे में आपका क्या नजरिया है? देखिए आंदोलन का कुछ मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर हर इंसान थोड़ा थोड़ा भारतीय हो जाए तो हमें किसी आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी सी भी भारतीयता अगर हम अपने अंदर ला दें तो हमें आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज, मैं एक संदेश देना चाहती हूँ अपने प्यारे बच्चों को जो कि अभी पढ़ाई कर रहा है, कि प्लीज रील्स बनाना बंद करिए, किताबों की ओर लौटिए, वरना वेदों की ओर लौटो, कि जैसे जिस प्रकार से दयानंद सरस्वती द्वारा नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो, उस तरीके से हमें किताबों की ओर लौटने का आंदोलन चलाना पड़ेगा, क्योंकि यह लोग किताबों से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। तो यह मेरे भाई बहनों को, यह बिल्कुल उनके लिए मेरा गुजारिश समझिए, संदेश समझिए, कि आप लोग रील वीडियो से ज्यादा किताबों को समय दीजिए। किताबों से बच्चों की दूरी बनती चली जा रही है, या समाज की दूरी बनती चली जा रही बहुत है? समाज की दूरी बनती चली जा रही है। आप अब किसी के घर में चले जाइए, बच्चा मोबाइल चलाता हुआ मिलेगा आपको, नमस्कार प्रणाम भी नहीं करेगा, कमरे में मोबाइल चलाता मिलेगा। तो समाज और किताब से दूरी बनती चली जा रही है, उसको थोड़ा कम करिए। रील बना के अपना कीमती वक्त, अपने जीवन के सुनहरे अवसर को मत खोइए। किताबों को लेकर क्लास में, स्कूल में आने पर भी तो पाबंदी लगाई जा रही है, किताबों को बोझ बताया जा रहा है। सीबीएसई जैसी संस्थाएं जो हैं वो ये निर्देश जारी कर रही हैं कि किताबों का बोझ पीठ पर कम से कम किया जाए, किताबें बोझ बताई जा रही हैं।
तो जो मतलब जिन चीजों से जिस समाज के जिस तबके का सरोकार है, तो सरोकार तो रहेगा ही ना। ये सब संकल्पनाएं सामने आ रही हैं। खैर, इसके भी कुछ कारण होंगे, कुछ तर्क होंगे। किताबों का बहुत ज्यादा बोझ बच्चों के ऊपर नहीं रहना चाहिए, लेकिन किताबों से बच्चों का किताबों देखिए, प्रेम कम ना मेरा हो। मेरा मतलब कि हाँ, किताबों की ओर लौटे का मतलब यह नहीं है कि किताब लेके आप पीठ पीठ होइए। किताबों से मतलब है कि आप एक हमेशा एक पढ़ने की आदत डालिए। मुझे याद है मेरे पिताजी शिक्षक थे, मेरे बड़े पिताजी शिक्षक हैं, बचपन से ही वह एक हम लोग को आदत डाल दिए थे पढ़ने की। कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि किताब से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता है। आप चाहे जितना सोशल बिल्कुल मीडिया चला लीजिए, यूट्यूब चला लीजिए, लेकिन एक समय आएगा कि आप इन सब से बोर हो जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने किताबों से दोस्ती कर ली ना, शायद आपका जीवन बन जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। और एक बात मैं आपसे और भी मैं विमर्श में रखना चाहूंगा, एक सवाल, कि हमारी जो संस्कृति है उसमें सहअस्तित्व की भावना, सहिष्णुता की भावना, सामुदायिकता की भावना, विभिन्नता के बीच में एकता की भावना, इन सब सारी जो बातों को बहुत पहले स्वीकार किया गया था, पहले उसके बारे में बताया गया है, वेदों में बताया गया है, उपनिषदों के बारे में बताया गया है, जीव की एकात्मकता के बारे में संदेश दिया गया है, और किसी भी तरह की आपसी जो घृणा है, जो दूरी है, इसके बारे में बताया गया है कि ये सब चीजें गलत चीजें हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको आज समाज में जाति धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर एक नया विभेद जो है वो उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस सांस्कृतिक चुनौती को या सामाजिक विडंबना को के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। बिल्कुल, तो अपन जी, तो थोड़ा सा संदेश तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या संदेश देना चाहती हूँ। और बहुत ही स्थिति खराब होती चली जा रही है, अगर सच पूछा जाए राजीव जी। तो बिल्कुल बहुत और ही मैं चुनौतियों आपके से मंच को, घिरता हुआ जो देश है हमारा, उसी के बारे में मैंने पूछा था आपसे सवाल। और यह माँ पिता के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण होता चला जा रहा है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से परवरिश दें। बिल्कुल, नई पीढ़ी जो हमारे देश की मतलब निर्मात्री पीढ़ी है, बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी मुझे जो बहुत राजीव जी, बहुत हंसी इस बात पे आती है कि जो इंसान, आजकल के बहुत बच्चे आपने देखे होंगे जो कभी स्कूल ही नहीं गए, कभी शिक्षा ही नहीं ग्रहण की, जिनसे आप क ख ग के मतलब अक्षर ज्ञान भी जिनको नहीं है, वो भी बहुत धड़ल्ले से रील्स, वीडियोस और दुनिया भर के सोशल मीडिया वेबसाइट्स आपको चलाते मिलेंगे। तो इसके पीछे क्या वजह है, ये मेरे लिए बहुत मतलब अचंभित करने वाला विषय है मेरे लिए, कि शिक्षा का ज्ञान नहीं होते बिल्कुल, भी। एक समय था जब सिनेमा को के प्रति बच्चों के मन में इस तरह के आकर्षण हुआ करते थे, और उस वक्त देखिए सिनेमा को लेकर के बहुत देखिए पाबंदी लगाई जाती थी। हम लोगों को सिनेमा, याद आ रहा बिल्कुल है कि हमारी जो पीढ़ी थी, तो उस समय हम लोगों के मन में सिनेमा को लेकर के बहुत आकर्षण हुआ करता था, और हम लोग अक्सर घर से छुप करके फिल्में देखने के लिए जाया करते थे। लेकिन ये बात बार बार बताई जाती थी कि सिनेमा को इस तरह से देखना, उससे लगाव रखना आपका जो काम है, आपका जो धर्म है, आपका जो लेकिन अपनी राजीव जी, जिम्मेवारी जो जो है, सिनेमा का, उसके लिए घातक है, उसके लिए घातक है सिनेमा का नशा। सिनेमा से फिर प्रेम भी को सिनेमा का बर्बादी की ओर ले नशा जाता जो है। था, जी सिनेमा का नशा और सिनेमा का जो प्यार है ना, वो बहुत कम समय के लिए, आप 1-2 घंटे, 3 घंटे महीने में एक बार जाते होंगे और देखते होंगे, चले आते होंगे। लेकिन अब तो 24 घंटे सब कुछ हमारे हाथ में है, और उससे बहुत गलत गलत इवन अपराध को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो बस बिल्कुल वेब सीरीज है, वेब सीरीज के नाम पे आजकल चीजें चल रही हैं, कोई सेंसरशिप तो नहीं है, वेब कोई सीरीज पर कोई सेंसरशिप नहीं सेंसरशिप है, सिर्फ वेब लागू बिल्कुल नहीं किया बिल्कुल गया है, और तमाम तरह के उल्टे बिल्कुल सीधे सब थीम्स बना करके कि आज के जीवन के बारे में हम दिखा रहे हैं, वेब सीरीज वगैरह सब प्रसारित किए जा रहे हैं, तरह तरह के ये फ्रॉडिज्म कहीं के ना कार्य कहीं सब जो है हमारे सोशल समाज के मीडिया, लिए बहुत, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, फेसबुक फ्रेंडशिप, आए दिन फेसबुक फ्रेंडशिप के जो सब से जुड़ी जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं सब जो है वो प्रकाश में आती रहती हैं। तो एक तरह से हमको ये लगता है कि बच्चों को इसको लेकर बहुत जघन्य जागरूक बनना अपराधों को होगा। बढ़ावा दे रही है। और
बच्चों को तो बहुत जागरूक है। मेरा अगर चिंता का विषय वाकई अगर कोई चीज है तो वो बच्चों को ही लेके है। मैं भी एक 5 साल की प्यारी सी बेटी की माँ हूँ, तो मुझे अपनी बच्ची को ही लेके मुझे ऐसा लगता है कि किस तरीके से हम लोग उसको बनाएं कि वो समाज के लिए उपयोगी बने, न कि समाज के लिए एक इस धरती का भार नहीं पैदा करना चाहती हूँ। तो मैं अपनी बेटी को समाज के लिए कुछ उपयोगी बनाना चाहती हूँ, और उस उपयोगी बनाने में बहुत सारी बात मीरा जी, दिव्या मीरा जी, आपने आज कार्यक्रम में भाग लिया, हमारे कार्यक्रम में हमारे आमंत्रण को आपने स्वीकार किया, इसके लिए हम तहे दिल से आपके प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने अपने बहुमूल्य विचारों से हमें अवगत कराया, और बच्चों की जो पीढ़ी है, भावी पीढ़ी, वो देश के नवनिर्माण में संलग्न हो और तमाम तरह की जो आज की जो जीवन की जो बुराइयां हैं जिसकी चपेट में वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनसे वो खुद को ये पीढ़ी दूर करे। ये आपका जो संदेश है वो सबके लिए बहुमूल्य है, आपके प्रति मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ जन सरोकार मंच टोंक की ओर से। आपने कार्यक्रम में भाग लिया जी, बहुत 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 राजीव जी, धन्यवाद, अनुमति चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जन सरोकार मंच का भी बहुत शुक्रिया जी, आप कार्यक्रम में आई, इससे हम लोगों को बहुत संबल मिला है। और पश्चिमीकरण की बात हो या नई पीढ़ी के भटकाव की बात हो या भारत के संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं महिलाओं को, उनको सही ढंग से क्रियान्वित करने की बात हो, महिलाओं के सबलीकरण से जुड़े हुए प्रसंग सब हो, इन सब पर आपके रचनात्मक विचारों को जानकर हमें बहुत खुशी हुई और इसके लिए हम आभार प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद जी, नमस्कार।